माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये बड़ी देग है और ये छोटी देग, और बहुत खूबसूरत सजा रखा है दरगाह शरीफ को। यहाँ पर लगता है उसका बाजार, कवाली का प्रोग्राम है यहाँ। ये दरवाजा खुला हुआ है अभी और आप देख रहे हैं इतनी लंबी इतनी बड़ी चादर है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लगता है उसका बाजार और दुकानें लगना स्टार्ट हो गई है। आगे आपको दिखेगा पूरा बाजार यहीं पे लगता है और आप देख सकते हैं कि शुरुआत कर दी है लोगों ने, दुकानें लगना स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं दोस्तों तैयारियां जोरों शोरों से चालू है, एक दो दिन के अंदर ये पूरा भर जाएगा, पूरा बाजार लग जाएगा माशाल्लाह। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं दरगाह के निज़ाम गेट के यहाँ पर और बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा निज़ाम गेट सजा हुआ है। चलेंगे हम अंदर और अंदर का नज़ारा बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं बाहर कितनी पब्लिक है, उसका मेला बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। अंदर चलेंगे, अंदर का नज़ारा बताएंगे आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये बड़ी देग है और ये छोटी देग, और बहुत खूबसूरत सजा रखा है दरगाह शरीफ को, पूरी दरगाह शरीफ को बहुत अच्छी तरह से सजा रखा है। आप देख रहे हैं कैसे चमचमाते झूमर है माशाल्लाह। इरादे तो रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं माशाल्लाह। आप देख रहे हैं वजू खाने को कितना प्यारा सजाया हुआ है लाइटों से। पुलिस प्रशासन यहाँ पर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे फॉरेनर भाई भी यहाँ पर वजू बना रहे हैं, काफ़ी अच्छे से ये माशाल्लाह। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जन्नती दरवाज़ा खुला हुआ है अभी और आप देख रहे हैं इतनी लंबी इतनी बड़ी चादर है जो कि ज़ायरीन लेके आए हैं आस्थाने ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पर। और कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग कि इतनी बड़ी चादर जो जन्नती दरवाजे से अंदर ले जा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं कि गुम्बद कितना अच्छी तरह से सजाया गया है उर्स के मौके पर, बहुत प्यारा लग रहा है। और उस साइड में हो रहा है प्रोग्राम कवाली का, हम चलेंगे और देखेंगे प्रोग्राम है कवाली। माशाल्लाह माशाल्लाह महफिल कवाली जम रही है ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने शरीफ के बाहर, और देख रहे हैं आप किस तरह से झूम उठ रहे हैं कवाल, कवाल के साथ साथ झूम उठ रहे हैं ख्वाजा के दीवाने जो कि आए हुए हैं दर ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पर। पर कवाली के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जगह जगह पर कवाल आए हुए हैं दरगाह शरीफ के अंदर और कवाली के प्रोग्राम बहुत जोरों शोरों से। बहुत खूबसूरत कवालियाँ हो रही है दरगाह शरीफ के अंदर। हम लेके चलूँगा महफिल कवाली।
जो दूसरी जगह हो रही है वहाँ पर, और वहाँ की कवाली भी अपन देखेंगे, और देखेंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले आशी के ख्वाजा कितने सारे मौजूद हैं। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और कवाली का प्रोग्राम हो रहा है, और आशी के ख्वाजा गरीब नवाज के आशिक किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और कवाली का लुत्फ़ उठा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दरगाह शरीफ में जगह जगह पर प्रोग्राम कवाली हो रहे हैं, और अभी हम लेकर चल रहे हैं आपको प्रोग्राम कवाली, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने शरीफ के जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने हो रहा है। और ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेन गेट आप देख सकते हैं दरबार ख्वाजा गरीब नवाज का। माशाल्लाह, आप सभी की दुआएं कबूल अता फरमाए या ख्वाजा। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा कवाली का प्रोग्राम है यहाँ। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं जायरी ने ख्वाजा गरीब नवाज आशी के ख्वाजा गरीब नवाज किस तरह से दुआएं कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे। माशाल्लाह, पर झालरे शरीफ के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जायरीन अपनी अपनी जगह पर लेट गए। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो लंगर बनता है, बहुत बड़ी भारी तादाद में लंगर बनता है, और सभी जायरीन तकसीम किया जाता है। आप देख सकते हैं देगों को देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है जायरीनों के लिए। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा माहौल है दरगाह शरीफ के अंदर का, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सजाई गई है दरगाह शरीफ।